असलम डियर स्टूडेंट वेलकम टू माई चैनल द एजुकेशनल स्पैन लास्ट वीडियो में हमने इन ट्रांसिटिव वर्ब तक टाइप्स ऑफ वर्ब को डिस्कस किया था आज हम रिमेनिंग टाइप्स ऑफ वर्ब को डिस्कस करते हैं सबसे पहले हमारे पास है मॉडल वर्ब मॉडल वर्ब आर एग्जलरी वर्ब्स दैट आर यूज टू शो एडवाइस एबिलिटीज परमिशंस ऑब्लीगे एंड पॉसिबिलिटीज यानी कि मॉडल वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो कि एडवाइसेस नसीहतें एबिलिटीज़ सलाहियतों परमिशंस इजाज़त ऑब्लिगेशंस ज़िम्मेदारियाँ एंड पॉसिबिलिटीज़ और इम्कान को शो करते हैं उन्हें हम मॉडल वर्ब कहते हैं फॉर एग्ज़ैम्पल She can speak three languages. वो तीन जबाने बोल सकती है तो इसमें एबिलिटी को शो किया गया है कि वो तीन जुबानें बोल सकती है इस सेंटेंस में कैन मॉडल वर्ब है यू शुड ट्राई टू लूज़ वेट एडवाइस को शो कर रहा है कि तुम्हें अपना वज़न कम करने की कोशिश करनी चाहिए शुड इस सेंटेंस में मॉडल वर्ब है कैन आई गो आउट नाउ क्या मैं अब बाहर जा सकता हूं परमिशन को जाहिर कर रहा है इसलिए कैन मॉडल वर्ब है यू मस्ट गो एट वंस ऑब्लिगेशन को शो कर रहा है कि तुम्हें एक बार जरूर जाना चाहिए इसलिए मस्ट मॉडल वर्ब है यू माइट गो इसमें पॉसिबिलिटी को शो किया गया है कि तुम जा सकते हो माइट इस सेंटेंस में मॉडल वर्ब है यानी कि मॉडल वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो कि एबिलिटी एडवाइस परमिशन ऑब्लिगेशन और पॉसिबिलिटी को शो करते हैं नेक्स्ट टाइप है फ्रेजल वर्ब अ वर्ब बिकम्स अ फ्रेजल वर्ब विद द एडिशन ऑफ वन प्रेपोजिशन। एक वर्ब फ्रेजल वर्ब कब बनता है एक वर्ब फ्रेजल वर्ब तब बनता है जब उसके साथ हम कोई प्रेपोजिशन को ऐड कर देते हैं दैट चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्राम द औरिजनल वर्ब जो कि औरिजनल वर्ब की नस्बत इसके मीनिंग को चेंज कर देता है औरिजनल वर्ब की मीनिंग और होते हैं लेकिन जब हम उसके साथ प्रापोजिशन ऐड करते हैं तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्टैंड बाय स्टैंड बाय साथ देना लेकिन सिर्फ अगर स्टैंड वर्ब को हम देखें तो उसका मतलब होता है खड़ा होना लेकिन जब हम उसके साथ बाय लगाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है बाय एक प्रापोजिशन है इसके साथ इसका मीनिंग चेंज हो जाता है स्टैंड बाय साथ देना पुट बाय बचत करना पुट तो होता है रखना लेकिन जब हम उसके साथ प्रापोजिशन बाय लगाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है बचत करना बैकअप तइत करना बैक कहते हैं पीछे को और जब उसके साथ प्रापोजिशन अप लगाएंगे तब उसका मतलब चेंज हो जाएगा तइत करना ऐसे वर्ब जिनके साथ हम प्रेपोजिशन लगा दें तो उनकी मीनिंग चेंज हो जाते हैं उन्हें हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म्स व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द नंबर और पर्सन ऑफ सब्जेक्ट ऐसे वर्ब जो कि सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ चेंज होते हैं उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं यानी सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर में तब्दीली आएगी तो फिर वर्ब की फॉर्म में भी चेंजिंग आएगी उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं फॉर एग्जांपल, आई लिव इन दिस हाउस अगर इसमें हम सब्जेक्ट uh, चेंज कर दें शी बना दें शी लिव्स इन दिस हाउस तो लिव जो है वो लिव्स बन जाएगा यानी कि ये वर्ब भी चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ आई एम a टीचर इसमें I के साथ एम आया है अगर हम आई की जगह ही लगा दें तो एम की जगह इज आएगा ही इज़ आ टीचर यानी कि सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ वर्ब भी चेंज होगा शी इज़ अ टीचर जैसे इसी तरह जैसे कि ऊपर था आई एम अ टीचर तो आई के साथ एम था वर्ब और अब शी अब सब्जेक्ट जो चेंज हुआ है तो वर्ब भी चेंज हो गई या इज़ आ गए ऐसे वर्ब जो कि सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ खुद भी चेंज हो जाए उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं नेक्स्ट है हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब वर्ब्स दैट डू नाट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ वर्ब चेंज ना हो ऐसे वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब का नाम देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अली वेंट एब्रॉड टू प्ले प्ले जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है और अली सब्जेक्ट है अगर हम सब्जेक्ट चेंज करें यानी कि अली की जगह हम लगा दें दे वेंट एब्रॉड टू प्ले तब भी प्ले ही आएगा कोई चेंजिंग नहीं आएगी इस वर्ब में यानी कि वर्ब चेंज नहीं होगा सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ आई एम प्लेइंग फुटबॉल इसमें आई के साथ प्लेइंग आया है लेकिन अगर हम यहाँ पे शी लगा दें शी लगाएं तब भी प्लेइंग ही आएगा शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल यानी कि सब्जेक्ट चेंज होगा तो वर्ब चेंज नहीं होगा सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ वर्ब में कोई तब्दीली नहीं आएगी ऐसे वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं इन टाइप्स ऑफ वर्ब के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें